हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो चूहों की कहानी, जिसका नाम है शहरी चूहा और देहाती चूहा। ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में। दोस्त की याद आने पर एक दिन शहर के चूहे को दोस्त से मिलने का मन किया, तो वह चल पड़ा गांव की ओर। गांव पहुंचकर शहरी चूहा सोच रहा था कि ये कैसी जगह है, ना आलीशान इमारतें और ना सुख सुविधा और साधन। शहरी चूहा जैसे ही अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा, तो गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत ही खुशी से किया। दोनों ने खूब सारी बातें की। उसके बाद गांव के चूहे ने कहा कि तुम हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। गांव का चूहा पास के बगीचे से ताज़े फल और सब्जी लाया और उसने अपने दोस्त को बड़े प्यार से खाना परोसा। शहरी चूहे ने कहा कि ये कैसा खाना है, इसमें इतना स्वाद नहीं। देहाती चूहे ने कहा कि ये तो एकदम ताज़ा है, तुम्हें पसंद नहीं आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खाने के बाद दोनों गांव की सैर पर निकल पड़े। शहरी चूहे ने गांव की खूबसूरत नज़ारे और हरियाली का आनंद लिया। शहरी चूहे ने दोस्त से विदा लेते वक्त अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण दिया और कहा कि तुम वहां आकर देखना, वहां का स्वादिष्ट खान पान और सुख सुविधा वाला रहन सहन। एक दिन देहाती चूहे ने सोचा, चलो शहर जाकर अपने दोस्त से मिल आता हूँ और वहाँ का रहन सहन देखकर मैं भी मज़े ले लेता हूँ। देहाती चूहा शहर पहुँचा तो आलीशान ऊंची ऊंची इमारतें देख हैरान हो गया। उसने सोचा कि अब मैं भी यहीं रहूँगा। शहरी चूहा यहाँ एक बड़े से घर के बिल में रहता था। उतना बड़ा घर देख गाँव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। शहरी चूहे ने दोस्त को कहा कि चलो खाना खाते हैं। उसने देखा टेबल पर कई तरह के व्यंजन और पकवान थे। दोनों चूहे खाने के लिए बैठ गए और गांव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चाखा, उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। लेकिन अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि घर के नौकर आ गए और उनको वहां देख लकड़ी से उनको भगा दिया। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। गांव का चूहा काफ़ी डर गया था। इसके बाद दोनों घर लौट आए, लेकिन अभी भी मालिक का बेटा अपने डॉगी को ले आ गया। शहरी चूहे ने फिर अपने दोस्त को जल्दी से बिल में छुपने को कहा और दिलासा दिया कि थोड़ी देर में कुत्ता चला जाएगा। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आ गए। इस बार गांव का चूहा पहले से भी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि लगातार इतने डरावने हादसों से उसकी जान पे बनाई थी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त से जाने के लिए इजाज़त मांगी और कहा, तुमने मेरा ख्याल रखा और स्वादिष्ट खाना भी खिलाया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भले ही यहाँ कितनी भी सुविधा है, पर यह भी सच है कि यहाँ सुकून और शांति नहीं, क्योंकि यहाँ हर पल जान का जोखिम है और मैं हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर नहीं रह सकता। दोस्त, स्वादिष्ट भोजन और सुख सुविधाएं अपनी जगह हैं, लेकिन मानसिक सुकून और जान की कीमत से बड़ा तो कोई भी नहीं। उसके बाद देहाती चूहा गांव के लिए निकल गया और गांव पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। सीख, जान के जोखिम और इतने खतरे से भरी आराम की ज़िंदगी में सुकून कहाँ। सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन है, क्योंकि सुख सुविधा और तरह तरह के टेस्टी भोजन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी मन का संतोष और मानसिक शांति व सुकून है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।